दो दिन से हमारा बेटा लापता है साहब, इधर ही आया था। हमारी बिटिया वो भी तो कपड़े धोने आई थी, दो दिन से लापता है, मिल नहीं रही। ए परमा जी। हाँ सर, थोड़ा देख लो। और परवीन तुम जंगल में चेक कर लो, जाओ। किनारे किनारे काहे देख रहे, अंदर भी तो देखिए। हाँ सर, यहाँ डूबा हो तो बेसिये इंटेलिजेंट दिख रहे हो हैं? अरे आदमी अगर 24-48 घंटे से डूबा रहेगा तो सफरस में नहीं आ जाएगा। काम कर सर। हाँ, कुछ नहीं मिला सर। हर तो नहीं मिला तो चलो आते हैं सर। हाँ, हमारा बेटा सर, हमारा बेटा क्या होगा? और हमारी बिटिया वो भी तो नहीं मिल रही, लापता है। एक काम करिए ना मैडम। हाँ? आप अपने सगे संबंधी से पूछ लीजिए, हो सकते कहीं भाग गई होगी, हमारा चाय का काम किया। हाँ सर, ढाबा में बोल दिए सर। और आपका फेवरेट प्याज का पकौड़ा का ऑर्डर भी दे दिए सर। तो ट्रक वाला से मैटर तुम्हें ही संभालना। जी सर। बेटा क्या होगा? मैडम का 2 मिनट 2 घंटे से कम नहीं होगा। बस 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 बस, बहुत बेसुरी आवाज है तुम्हारी बाइक की। चल। इतनी जल्दी कहाँ आ गई? कुछ लिपस्टिक पाउडर कुछ बचा हो तो भी लगा लेती। सॉरी ना, मैं तैयार हूँ अभी, प्लीज चले। जाना है सिनेमा? सिनेमा? हमें कोई सिनेमा विनेमा नहीं जाना है, कहीं बैठकर बातें करें। कितना बातूनी हो तुम रे। ओ शट अप, जैसे तुम्हें तो बड़ी फुर्सत है ना, जब भी फोन करती हो तो हमेशा फोन काट देते हो। अच्छा, नीम टल्ला तालाब चले। बस यहीं पे रोक दो। हाँ। वाव, क्या हवा है। वाव, क्या हवा में बास है। बकवास है, कहाँ है बास, कैसी बास। जैसे कुछ मर गया हो। विपिन, तुम ना बिल्कुल वो हो गए हो। क्या वो? नेगेटिव, खपती, बोर, बिल्कुल उल्टा सोचने वाले। बस बस बस, अब इतना भी मत जलाओ मुझे, वरना इसी तालाब में कूद। विपिन, कहे कि ये तो मरने की बात, हम तो जोक कर रहे थे ना। हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करते मरने की बात। वैसे एक बात बताएं, ये तालाब ना हमको बहुत भूतिया लगता है। फिर से शुरू हो गए तुम। Right.
रहे हैं, उसको बचाने जाना। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, पानी बहुत गहरा है। कौन मार रहा है? विपिन! विपिन! विपिन रुक जाओ, पानी बहुत गहरा है, विपिन बच जाओ। हम बहुत ही अव्वल दर्जे के तैराक हैं, बिहार चैंपियन, अभी बचा के आते हैं उसको। प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, बाहर आ जाओ जल्दी, चलो। अच्छा मैडम, पूरे शहर में यही जगह मिलती है क्या हैं? जहाँ देखा सुनसान तो घुट लीजिए। अरे मैडम, यहाँ से ऑलरेडी कितना लोग जो है ना लापता हो चुका है, आपको पता नहीं है? सर वो पानी के बीच में से ना किसी का हाथ निकला था और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तो विपिन बस उसको। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जी, वो उन्हें बचाने के लिए अंदर चला गया सर। तुमको कुछ दिखा परमा? नहीं सर, हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा सर। अरे सर, किनारे पे कुछ हुआ ही नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो बीच में हुआ है। अरे मैडम, घटना 2 घंटे का है ना, जो आदमी पानी के अंदर गया होगा वो तो मतलब समझ सकती है ना, हम क्या कह रहे हैं, मतलब इम्पॉसिबल। क्या कहना क्या चाहते हैं आप, मतलब आप चेक भी नहीं करेंगे? एक बार प्लीज सर चेक करवाइए प्लीज। परमा जी। हाँ सर। मैडम की तसल्ली के लिए थोड़ा देख लो भाई, जाओ। हम सर? तो हाँ हम। परवीन! अरे सर, कोनो अजगर घड़ियाल उसको दबोच लिया होगा। देखिए सर, बाल बच्चे वाला आदमी है, आए जाना आपस में डाल रहे हैं सर। वर्मा जी ठीक से चेक करो, मैडम कह रही है ना, जाओ। ठीक है सर। परवीन थोड़ा तुम भी देखो, उधर देखना। सर सर कुछ नहीं है सर, देखिए ना पूरा पानी हिल डाले हैं, लाश होगा ना तो सुबह तक अपने उपला जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, विपिन डूब नहीं सकता, मर नहीं सकता वो, सर प्लीज कुछ कीजिए सर। मैडम काहे नहीं मर सकता है, अरे कोनो अंबर बूटी खाया है का? अरे पानी का गहराई देख रही है आप, डूब गया होगा, मर गया होगा, बात कर रही है आप। कमाल से, कमाल से।
कुछ नहीं सर, फिसल गए थे। मेरा डंडा भी देखिए ना, खींच लिया एकदम। अच्छा तो चले आओ, चलो थाने चलते हैं। सर पर वो विपिन सर। हाँ सुबह आता है ना, सुबह। सर सुबह तक बहुत देर हो जाएगी सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे मैडम बचने की अब उम्मीद भी मत रखिए, आप जाइए घर अपने पेरेंट्स के साथ। I'm so sorry. सर प्लीज सर, सर मेरी बात सुनिए सर, कर देना है सर, विपिन जिंदा है सर, सर प्लीज उसकी मदद कीजिए सर, सर सर ऐसे मत कीजिए सर प्लीज, विपिन विपिन को कुछ हो जाएगा सर। मगर मुझसे सावधान। अरे खतरा, अरे भागो। लगता है शहर के सारे मच्छर इसी तालाब से निकले हैं। क्या करे सर, परेशान कर दिया इन मच्छरों ने। एक बार हमने एक कीटनाशक डाला ना इस तालाब में, मच्छर तो मच्छर जितने जीव जंतु हैं ना वो भी नष्ट हो जाएंगे। बस अच्छे से डालो चारों तरफ। जी सर। अरे भाई साहब, यहाँ कोई कार मैकेनिक का गैराज है क्या? इधर तो नहीं है, टाउन में होगा। टाउन? वाव, कितना अच्छा है।
फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। भैया क्या कर रहे हो, पकड़ो भैया, भैया क्या कर रहे हो, भैया आ जाओ। ये खिंच क्यों नहीं रहा है? स्पार्क का प्रॉब्लम था, बस गाड़ी भी स्टार्ट है। जरा पिंकू को देखो क्या कर रहा है। पिंकू, पिंकू कहाँ चला गया? पिंकू, पिंकू, अरे अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? पिंकू, अरे भैया कहाँ लेके जा रहे हो? उधर सड़क पे मेरे मम्मी पापा हैं। और लोग, और ज्यादा खाना। हाँ आपके पास टॉवेल है। मम्मी। अरे ये रहा पिंकू, कहाँ था बेटा? पिंकू, पिंकू कहाँ चले गए थे तुम? अरे मम्मी ये भैया तालाब में डूब रहे थे। बेटा तुमने बचाया इनको? हाँ। तुम गाड़ी से दूर क्यों गए? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, कहाँ चले गए थे? मम्मी ये भीग गए। अरे संभालो। अरे अरे इसको गाड़ी में डालो, तुम दरवाजा खोलो। अरे इसे गाड़ी में कैसे डाल सकते हैं, इसका कोई अपना होगा ना आसपास? अरे मरवर जाएगा, गाड़ी का दरवाजा खोलो, बाद में देखते हैं, इसको डालते हैं अंदर। ठीक है चलो पिंकू। डॉक्टर से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर सरन तो देवगढ़ गए, होश तो आ गया इसको, थोड़ा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, संभल के। भैया ठीक हो जाएंगे, वो मेरे साथ खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है, पर फिलहाल आप अपने कमरे में जाकर अपने स्कूल का होमवर्क कीजिए, ठीक है? ओके मम्मा। पायल प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, आराम से, संभल के। इधर 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 आराम से बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा घर कहाँ है? पायल थोड़ा रेस्ट तो करने दो इसको, इसके लिए टॉवल कपड़े और ब्लैंकेट निकाल दो प्लीज। ठीक है। संभल के थोड़ा सा। ये कपड़े और ये ब्लैंकेट, तुम एक काम करो फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। और हाँ बाथरूम सामने, ठीक है? चल।
कहाँ गया? शायद बाथरूम में होगा। सुनो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध रखकर जा रही हूँ, पी लेना। प्लीज पानी की बोतल ले आओगी? अभी लेकर आई। बेड पर सुला कर गई थी, नीचे गीला कैसे पड़ा है? पिंकू, आंखें खोलो। बेटा तुम यहाँ पे कैसे गिरे? चलो तुम आओ मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। उठो उठो। एक मिनट पिंकू। ये लड़का कहाँ चला गया? चलो पिंकू, आज आराम से। ये क्या हो रहा है? मैं इन दोनों को खा क्यों नहीं पा रहा हूं? निकला नहीं जा रहा है ना?
क्योंकि हम तीनों इंसान है ही नहीं। भीतर जाने का कोई फायदा नहीं है, खतरा है आगे। वो मेरा फ्रेंड विपिन है ना, वो मर चुका है। वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसे बचाने जा रहे हैं, हम उसे निकाल के रहेंगे। तो मतलब तुम भी मर जाओगी? तुम्हें पता नहीं इस पानी के भीतर क्या है? मेरा विश्वास करो, बाहर आओ मैं बताता हूँ। नहीं प्लीज, मेरा विश्वास करो, मैं सब बताता हूँ, बाहर आ जाओ। क्या है इस तालाब में? आओ दिखाता हूं। ये कोई घड़ियाल या अजगर नहीं है, इस तालाब का राक्षस है। और इसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पहले बहुत से लोगों को खाया है। ये सब हमारे कारण हुआ है, ये सब हमारे कारण हुआ है। तुम्हारे? हमने उसे जिद की थी कि हम नीमतला तालाब के पास बैठकर बातें करते हैं। हमारी वजह से उसकी जान गई है, हमारी वजह से मर गया वो। देखो, रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि विपिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। मारना चाहती हो उसको? साथ दोगी मेरा? साथ? हम कैसे? डरो मत, मैं एक पिशाच हूं। पिशाच? पर तुम तो अभी। हाँ, मैं इंसान का रूप ले सकता हूँ। मैंने इस जल दैत्य को लोगों की जान लेते देखा है, और नदी में यहाँ के जानवर जो पानी पीने जाते थे उनको भी ये राक्षस खा गया। मैं इसका अंत करना चाहता हूँ, पर मेरी शक्तियाँ काफी नहीं है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो कैसे? मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, पर मेरी शक्ति देने के बाद तुम इंसान नहीं रह पाओगी, मेरी तरह हो जाओगी, मेरी दुनिया में चली जाओगी। और हाँ, जरूरत पड़ने पर इंसान का रूप ले पाओगी। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Thank you.
विपिन! मैंने इस जलदैत्य को लोगों की जान लेते देखा है और नदी में यहाँ के जानवर जो पानी पीने जाते थे उनको भी ये राक्षस खा गया। मैं इसका अंत करना चाहता हूँ पर मेरी शक्तियाँ काफी नहीं हैं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जल्द से जल्द उस जल राक्षस का अंत करना चाहती हूँ। अब जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? परिवर्तन और अभ्यास। तुम्हारी नई शक्तियों के परिवर्तन और अभ्यास में पूरा साल लग जाएगा। फिर लेंगे हम प्रतिशोध। अभ्यास पूरा होते ही तुमसे अपना प्रतिशोध लेने के लिए हमने तुम पर नजर रखी और सही समय का इंतजार किया। पानी से बाहर आ रहा है ये। हमने देखा कि जब कई इंसानी रूप लेने के बावजूद भी एक साल तक तुम्हें शिकार करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, तब हम समझ गए कि सही वक्त आ गया है। शिकार के अभाव में कमजोर पड़ गया है ये। वक्त नजदीक आ गया है इसके अंत का। हाँ। चलो मम्मी, चलो पापा। शक्तियों से लैश। पायल, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। गाड़ी तालाब के पास रोकूंगा और पिंकू तुम उसको तालाब से सड़क के किनारे लेके आना। संभाल के। डरो मत मम्मी, आई एम कूल। तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए पायल, तुम्हारी हेल्प से तालाब और पूरा जंगल सुरक्षित हो गया। अब वहां हर प्रेमी आके बैठ भी सकता है और घूम भी सकता है। सब मनोरम होगा।